हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेड चिल्ली सॉस की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी इस रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। चिल्ली सॉस को मार्केट से लाकर कई बार आप कई सारे रेसिपीज में यूज़ करे होंगे, एक बार मेरे तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिए तो आप मार्केट से रेड चिल्ली सॉस लाना भूल जाएंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैंने दोनों टाइप के मिर्ची लिए हैं। ये है रेड मिर्ची, तो इसमें खार बिल्कुल भी नहीं रहता। ये डालने की वजह से सॉस में बहुत ही बढ़िया कलर आता है। देखिए, ये मैं 3 मिर्ची आज की रेसिपी में यूज़ करूँगी। अगर आप चिल्ली सॉस में खार कम रखना चाहते हो तो 4 से 5 मिर्ची भी ले सकते हैं। देखिए, ये है पंडू मिर्ची, जो हरी मिर्च का रेड कलर की हो जाती है, ये वही मिर्ची है। इसमें खार बहुत ज़्यादा होता है। चलिए सबसे पहले हम इन मिर्चियों को इस तरीके से कट कर लेंगे। इन मिर्ची को मैं बीजों के साथ ही यूज़ करूँगी, तो इसी तरीके से कट कर रही हूँ, क्योंकि चिल्ली सॉस में थोड़ा खार ज़्यादा रहेगा तभी बढ़िया रहेगा। ये सारे मिर्चियों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप सॉस में खार कम रखना चाहते हो तो कुछ मिर्चियों में से इस तरीके से बीजों को हटा दीजिए। बीज हटाने की वजह से इसमें का तीखापन कम हो जाता है। देखिए, इस तरीके से पहले इसे 2 हिस्सों में कट कर लीजिए, उसके बाद इसमें के बीजों को इस तरीके से हटा दीजिए। मैं सारे मिर्चियों को बीज के साथ ही डालूंगी, ये बस आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ। तो बीज को इस तरीके से निकालने के बाद इसे भी कट कर लेना है। देखिए, सारे मिर्चियों को तो हमने कट कर लिया है, तो इसी तरीके से ये वाली मिर्ची को भी कट कर लेंगे। इसमें से मैं बीज निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें तो खार नहीं होता। आप चाहे तो बीज रख भी सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। टमाटो सॉस भी बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप उस रेसिपी को नहीं देखे हो तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। टमाटो पेस्ट भी बहुत ही बढ़िया रहता है, उसे भी कई सारे रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं, उसे भी आप आई बटन से देख सकते हैं। देखिए, एक मीडियम साइज की आनियन को भी इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लहसुन का फ्लेवर सॉस में बहुत ही बढ़िया रहता है, तो मैं 6 से 7 लहसुन की कलियों को इस तरीके से कट कर रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। देखिए, लहसुन भी हमने कट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इस कढ़ाई में डालते हैं मिर्ची जो हमने कट करके रखी है। 2 टाइप की मिर्ची भी इसी में डाल देंगे। दोनों टाइप की मिर्ची डालने के बाद अब डालते हैं कटी हुई प्याज, कटी हुई लहसुन। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून पानी। पानी डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, इसे ढककर तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार चेक कर लेंगे। मिर्ची, प्याज और लहसुन हल्की सी नरम होने तक इसे पकाना है, इसलिए पानी बहुत ही कम डालना है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल के पकाएंगे, इसमें पानी रह जाएगा तो सॉस बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए थोड़े से पानी में ही इसे पकाना है। इस तरीके से इसे ढककर पकाएंगे तो ये जल्दी से नरम हो जाएगी, और बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत ही कम डाला है, तो इसके जलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जल जाएगा तो सॉस का कलर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसे हर थोड़ी देर पर चेक करेंगे। लो फ्लेम पर पकाने की वजह से प्याज और मिर्ची भी पानी छोड़ती है, तो उसमें का भी पानी ख़त्म होने तक हमें पकाना है। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो देखिए ये अच्छे से नरम हो गई है, इसमें की कच्ची स्मेल भी जा चुकी है। देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने पानी डाला था वो भी ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम तो बंद कर दिया है, ये तो बहुत गर्म है, तो अब इसमें डालते हैं 2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसे काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही इसे ग्राइंड करना है। देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जैसा रखना चाहते हो उसी हिसाब से इसमें विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं हो तो विनेगर की क्वांटिटी ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए इसे तो मैंने हल्के से ग्राइंड कर लिया है, अभी ये स्मूथ ग्राइंड नहीं हुआ, तो इसमें और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये तो बढ़िया से ग्राइंड हो गया है, तो अब इसे हमें छान लेना है। इस तरीके से स्ट्रेनर में डालेंगे और प्रेस करते हुए इसे छान लेंगे। इसमें तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून विनेगर डाला है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है, तो इसमें और विनेगर नहीं डालेंगे। इसे आप एक बार बनाकर कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कई सारे रेसिपीज में इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इटालियन, चाइनीज़ और भी कोई भी रेसिपी में आप चिल्ली सॉस डालना चाहो तो इसे डाल सकते हैं। रेड चिल्ली सॉस की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार से और आसानी से बनने वाले वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से सारे सॉस को छानने के बाद इसके ऊपर ये जो बच जाता है, तो इसे आप शेजवान सॉस में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी रेसिपी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। शेजवान सॉस बनाना भी बहुत ही आसान है, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर उसे नहीं देखे हो तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। देखिए सारा चिल्ली सॉस तो हमने छान लिया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरीके से बॉटल में भरेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। बिल्कुल मार्केट जैसा चिल्ली सॉस आप भी घर पर ज़रूर बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।